राजधानी रांची के एसएसपी कौशल किशोर को गुप्त सूचना मिली कि नामकुम थाना अंतर्गत बरगामा में जुआ संचालित किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशन में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामकुम बरगामा के पफ एंड स्टफ रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई और कुल 12 लोगों को जुआ खेलते हुए पाया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस थाना ले आई। मौके से 5 मोटरसाइकिल और एक कार जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में वंशीधर शर्मा, रवि रंजन, कुलदीप कुमार, अर्जुन गोप सहित अन्य शामिल हैं। ये तमाम जानकारी रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आदेश और निर्देश दिया गया है कि पूरे शहर में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां भी दारू का कारोबार चल रहा है या लोग उसका सेवन करें, कहीं जुआ का अड्डा है और भी वैसी चीजें जहाँ शांति व्यवस्था को भंग करे, उस संदर्भ में जहां आपको कोई सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई करें। ये सूचना एक्चुअली वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से ही आया था कि बरगामा हम लोग का नामकुम थाना पड़ता है और जहां पफ एंड स्टफ रेस्टोरेंट है वहां कुछ लोग वहां जमा होकर और जुआ वगैरह खेल रहे हैं या खिला रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में DSP नीरज जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें तिवारी जी और लोकल यहाँ के 200 प्रभारी। ये आदेश और